भुवनेश्वर पुलिस ने दो घरफोड़ी के मामले सुलझा लिए। इन मामलों में पुलिस ने एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों का माल जब्त किया है। हुडकेश्वर पुलिस थाना की टीम की ओर से कामयाबी सामने आई है। पुलिस थाना क्षेत्र में बीते कुछ दिन पहले दो घरफोड़ी के मामले सामने आए थे। इन मामलों पर काम करते हुए टीम ने दोनों मामलों को सुलझा लिया है। पहले मामले में फिरियादी की मां घर को ताला लगाकर भजन सुनने गई थी। इसी समय एक व्यक्ति ने घर का ताला तोड़कर घर से सोने के आभूषण के साथ 1,52,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया था। इसी मामले की तहकीकात करते हुए हुडकेश्वर पुलिस की टीम ने नाबालिग चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से सोने के आभूषण के साथ साथ 1,13,500 रुपयों का माल भी जब्त किया गया है। दूसरी घटना में फिरियादी कुछ काम से चंद्रपुर अपने ससुराल गए थे। इसी दौरान घर का ताला तोड़ चोरों ने घर से एक टीवी, चांदी के आभूषण, एक कैमरा ऐसे 48,000 रुपयों के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया था। जब फिरियादी घर आए तो घर का दरवाजा खुला दिखा। घर के अंदर जाने पर चोरी होने की बात उन्हें पता चली। फिरियादी ने चोरी की शिकायत हुडकेश्वर पुलिस थाने में दर्ज कराई। तहकीकात करते समय पुलिस ने शेख साहिल, फारूक शेख और असलम खान आसिफ खान नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से आभूषणों के साथ 14,000 का माल भी जब्त किया है। हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन के हद में दीपावली त्योहार के दरमियान चोरी की घटना कुछ दर्ज हुई थी। उसमें 6-7 गुने जो है हमारे पुलिस स्टेशन इंचार्ज श्रीमती सरकार और डिटेक्शन टीम के इंचार्ज एपीआई खंडारी इन्होंने डिटेक्ट किए है। उसमें 4,93,000 रुपये का मुद्देमाल गया था। प्रॉपर्टी चोरी हो गई थी, उसमें से 4,16,500 रुपये की प्रॉपर्टी इस गुने के दौरान जब्त की गई है। इसमें एकून 3 टीम चोरों की थी, उसमें 5 जो बालक थे वो विधि संघर्षग्रस्त बालक है उसमें, और 4 जो है वो मेजर है। इन सबको हिरासत में लेकर माल रिकवरी किया गया। इन सबको हिरासत में लेने के दरमियान, पूछताछ करने के दरमियान ये पता चला है कि ये इनका जो खुद का व्यसन है, जो कुछ आदतें है, इसके लिए उन्होंने चोरी करते रहते हैं। सभी जो बालक है कुछ माइनर है और कुछ मेजर, 18-19 के दरमियान इनकी उम्र है। ये दिन भर घूमते हैं और जो भी घर उनको बंद मिला वो घर को या तो पिछले के दरवाजे से अंदर एंट्री करते हैं, जो सीमेंट का दरवाजा रहता है और उसमें जो रबर का ब्लॉक रहता है वो जल्दी टूट जाता है, इसलिए पीछे के दरवाजे से वो ज़्यादातर इन्होंने एंट्री किया है। जो मेजर आरोपी है उसमें नाम जो है वो शेख सोहेल और असलम खान, साथ ही गणेश गेडाम और कादिर अंसारी, ये 4 लोगों को हमने अटक किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।